मेरा नाम तो रवि है, रवि मोमोस, लोग बाग यही पहचानते हैं रवि मोमोस के नाम से। बाकी हमने नाम इसको दिया सिड मोमोस करके। सिड मोमोस से ये है, यहाँ पे हम लोग एकदम लाइव मनाते हैं, पूरा लाइव काउंटर है हमारा, रोज़ ताज़ा मनाते हैं हम लोग यहाँ पे और ताज़ा भेज देते, पूरा ख़त्म कर देते हैं, शाम तक पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। रोज़ डेली माल रोज़ ताज़ा यहीं पे बनाता हूँ मैं। ये आपका ये मसाला बन जाता है, ये वेज का। हाँ ये वेज का, इसमें चार तीनों फ्लेवर आएंगे। अच्छा, और फिर यहाँ से अब आप लाइव बनाना चालू करो। हाँ यहाँ से लाइव का ये ऐसे दिमाग में आया, जैसे जब मैं पहले अकेले ही काम करता था यहाँ पे, तो मैं बहुत मतलब जल्दी जल्दी बाजी में मतलब ये भी करना है वो भी करना है, तो मैं मतलब दिमाग में एक आइडिया आया कि सब पूरा मसाला वगैरह रेडी करके अपन खुद ही यहीं पे बना के खुद ही बेचें तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं पूरा मसाला वगैरह सब जल्दी सुबह जल्दी आके पूरा रेडी करके यहीं पे मसाला वगैरह सब रख के यहीं बनाता था कस्टमर के सामने, तो उनको भी अच्छा लगता था और वो भी बोलते थे कि बहुत बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा है, ताज़ा ताज़ा मोमोज खिलाते हो। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई लाइव मोमोज। ये रोज डेयरी का पनीर है, एकदम अच्छा। फ्रेश है, एकदम लूज है, देखो ये। अच्छा, एकदम ताज़ा लेके आते हैं, एकदम ताज़ा पनीर ये, बहुत बढ़िया। ठंडा भी नहीं है कि मतलब बासी रहता है ना, हाँ, तो वो ठंडा रहता है फ्रिज में, ये देखो ठंडा नहीं, एकदम नॉर्मल सॉफ्ट है। हाँ एकदम जीरो टेम्परेचर एकदम। मैं मेरा पूरा बचपन में मतलब होटल लाइन में ही हूँ, बचपन से होटल लाइन में काम कर रहा हूँ। ये अभी मोमोज 2 साल से मैंने मोमोज का ये यहाँ पे स्टार्ट करा हुआ है, इसके पहले मैं होटलों में बहुत होटलों में काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ पे वेज मोमोज है और पनीर मोमोज भी है, वेज पनीर मोमोज भी है, चीज़ मोमोज भी है, और ये तीनों फ्लेवरों में तंदूरी वाला भी बना के देते हैं, तंदूरी वेज मोमोज, तंदूरी चीज़ मोमोज, तंदूरी पनीर मोमोज, ये तीन वेराइटी है, तीन वेराइटी तंदूरी में भी यही है सेम। लोग बाग जैसे ही मैं यहाँ पे लाइव बनाता हूँ ना, तो वो खुश ही हो जाते हैं, बोले बहुत बढ़िया, ऐसा काउंटर हमने आज तक देखा ही नहीं इंदौर के अंदर, जो लाइव मोमोज बनाता हो एकदम फ्रेश ताज़े ताज़े, और वो लोग खाते भी है ना, तो बहुत अच्छा मेरे को बहुत बोल के जाते हैं कि बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और वो कस्टमर एक बार आता है ना हमारे यहाँ, तो फिर वो आते ही रहता है, यहीं का फिर मोमोज खाता है। हाँ अंदर ये तंदूरी का मसाला है और अच्छा। इसमें बहुत सारे मसाले डले हुए हैं। हाँ। ये चीज अमूल चीज है अपना। अच्छा, अमूल चीज वापरते हैं। लोग बात क्या है ना, लिक्विड चीज डालते हैं मोमोज के अंदर। अच्छा, वो जो लिक्विड सस्ता वाला मिलता है ना। हाँ। हम वो यूज नहीं करते हैं। अच्छा, लिक्विड नहीं, अमूल चीज, अमूल चीज ही यूज करते हैं। चीज और मसाला एकदम दोनों बराबर मात्रा में रहता है। अच्छा, ना कोई कम ना ज्यादा। चीज भी कम नहीं डालते हम लोग और मसाला भी कम नहीं डालते। अच्छा, चीज और मसाला दोनों बराबर ही डालते हैं। मैं ताज़ा डेयरी से पनीर भी है, जैसा आपने अभी वीडियो में देखा होगा, जैसे एकदम लूज पनीर था पूरा, जैसा बासी पनीर होता है ना, तो वो टाइट रहता है क्योंकि वो फ्रीजर में ऑलरेडी रखा हुआ रहता है ना, तो एकदम टाइट रहता है। ये वाले अपने वेज मोमोज। हाँ ये वेज मोमोज है। ये चीज वाला है, स्टीम के लिए हो रहा है। हाँ, स्टीम के लिए। अभी कच्चा है ये, 2 मिनट और लगेगा। अच्छा, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये रेडी हो गए, ये पक चुका है। ये तंदूरी पनीर का ऑर्डर आया है, वो एकदम फ्रेश है, देखो गर्मा गर्म अलग ही है। ऐसे ही ऑर्डर हम लोग लगाते हैं, इधर रेडी होता है, इधर चले जाता है ऑर्डर हमारा। और सब्जी भाजी भी जो भी लाते हैं ना हम लोग, पत्ता गोभी ये सब्जी वगैरह जो भी है, हम लोग इसको 2 घंटे मतलब नमक के पानी में डाल के रखते हैं रोज डेली। गाजर हो गया, शिमला हो गया, पत्ता गोभी हो गया,
दो घंटे तक सुबह 9 से 11 के बीच तक ये पानी में ही रहता है। फिर इसको धो के हम लोग फिर क्रश करते हैं, फिर पानी वगैरह निकाल के पूरा माल रेडी करते हैं। मतलब 9 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा माल ही रेडी होता है, पूरा मसाला रेडी होता है। 3 बजे के बाद में हम लोग यहाँ पे लाइव काउंटर मोमोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बहुत मतलब ये मोमोज बनाने में मैंने मतलब रात रात भर यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे भी करता था मैं। फिर रात को 12 बजे के बाद में मैं मोमोज बनाने के लिए एक जगह जाता था, तो वहाँ सुबह 5 से 6 बजे तक मैं मोमोज ही बनाता था। मतलब हफ्ते में 3-4 बार उस जगह जाता था मोमोज बनाने के लिए। मतलब यहाँ से 12 बजे रात को 12 बजे से मैं मोमोज बनाने के लिए जाता था, वहाँ सुबह तक बनाता था मोमोज। एकदम क्रिस्पी क्रंची एकदम क्रंची है बिल्कुल। हाँ तंदूरी, हाँ तंदूरी। रात रात भर काम किया मैंने इसमें मोमोज में। जब जाके मैं इधर दिन में तो इधर ही काम करता था मैं। टाइमिंग है हमारा सुबह 12 बजे से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 12 बजे हम क्या 10-15 प्लेट खुद ही जल्दी बना के रख देते हैं कि कस्टमर आए अपनी दुकान पे तो आप उनको मोमोज मिल जाए। ये एड्रेस है इधर FYI 54 विजय नगर सत्यसाई स्क्वायर के साइट में, इधर मतलब सत्यसाई स्क्वायर के पास में ही है। वाह यार अलग ही लग रहा है लाइव। ये पनीर है बहुत बढ़िया। ये चीज है दोस्तों, देखिए हमने ले लिए लाइव मोमोज जो कि इतना हाइजेनिक तरीके से बना रहे हैं भैया। इतनी हाइजेनिक तरीके से बना रहे हैं मोमोज, आप लाइव बना रहे हैं। लाइव क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अब बस टेस्ट करते हैं। इंदौर में ये पहला पॉइंट है जहाँ आपको लाइव मोमोज बनते हुए आप देख सकते हैं। तो ये पनीर वाला है, मैं तंदूरी वाला खा के देखूंगा। वाह लाइव की बात ही अलग है। जनरली दिन भर बनते रहते हैं और रात में जब अपन स्टॉल पे जाते हैं तो वो स्टीम करके या फ्राई करके देते हैं, तो वो उसकी बात अलग है और ये लाइव की बात अलग है। दोस्तों में यार मोमोज बहुत टेस्टी हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि लाइव भी बन रहा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे और टेस्ट भी बहुत काफी हाइजेनिक तरीके से बना है। और ये देखिए तंदूर वाला कितना बढ़िया लग रहा है, इसके अंदर भी चीज है ये तंदूर वाला खिलाओ ला। यार बहुत टेस्टी है ये, बहुत बढ़िया है। बस लग रहा है यार प्लेट में यार गर्मा गर्म बस अपन खाते ही जाने मोमोज। वागे मैं एक प्लेट की जगह आप 2 प्लेट खा सकते हैं आराम से। तो आप लोग भी विजिट करिएगा, काफ़ी बढ़िया है ये। आप सत्यसाई चौराहे से आप अंदर की तरफ आएंगे तो FYI पॉइंट है, वहाँ पे आपको लाइव मोमोज का ही काउंटर देखेगा। इसकी एड्रेस और GPS लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा।